जो घर की साफ सफाई करते हैं वो घर के भंगी है का? घर पे नहीं मोड़े, घर के बाहर जो साफ सफाई करे उनके भंगी बोले। हाथ कैसे लगाता है, पूरा गंदा कर दो। भैया जैसी गलती हो गई। आसमान में कितने तारे होते हैं? बहुत सारे, बस बाकी के चमकत नहीं। काहे कि वो अपने अपने गटर में बंद है। मेरे भाई वो सब भाइयों को आना है, और जो भाई कोम का दीवाना होगा वो जरूर आएगा भाई। एक दो दिन के अंदर मैं कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ। मेरी बहन हमारी साथ होगी, क्योंकि ये बहन हमारे बहुत साथ देते हैं, ये बहन होके हमारे खुला साथ देते हैं। मेरे भाई तो आप तो मेरे भाई हो, और आप तो कहते हो हम शेर कौम है। मेरे भाई मैं देखना चाहता हूँ कितनी बड़ी शेर कौम है ये वाल्मीकि कौम। तो मेरे भाई हो, मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, सब एक हो जाओ मेरे भाई। आप दिल्ली के अंदर तो 40 लाख कहते हो अपने आप को, तो मैं आपसे कहता हूँ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारे एक हो जाओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और केस डलना चाहिए इनके खिलाफ, हर थाने के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए, और ये वीडियो ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए। विकास, मैं रेखा दुग्गल। आज हम पहुंचे हैं करोल बाग। एक समाज सेवी हैं जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हमेशा समाज के हित के लिए आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, सफाई सैनिकों के लिए, मतलब समाज के सभी मुद्दों पर ये बढ़ चढ़कर बोलते हैं और उन्हें न्याय भी दिलाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विशाल चावरिया जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल जी, जिस तरह से आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय आप काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है गुठली, जिसमें दलितों पर हुए अत्याचार को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन इसमें एक शब्द का यूज किया गया है, भंगी। तो आप इस शब्द के बारे में, पूरे शब्द पर ये पूरी फिल्म जो बन गई है, भंगी भंगी, पूरे मूवी में ये शब्द बार बार जो है वो बोला जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? शब्द से कहीं ना कहीं आहत नहीं होता है दलित समाज? नहीं, आहत है, सभी लोग आहत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी फिल्में बनाते क्यों है, किसी धर्म के लिए या किसी जाति के लिए ऐसी फिल्में बनाते क्यों है जिसमें उनको नीचा देखना पड़े? जैसे इन्होंने बोला भंगी भंगी शब्द, उसमें बोला बहुत गलत बोला है। अम्मा हमें पढ़ने हैं। पढ़लो हते तो कौन ऊंची जात में पैदा होता, अपने बाप की तरह भंगी को काम न करना पड़े। ये भंगी का होता है? भंगी जात है हमारी, साफ सफाई को काम करने वाले लोगों को भंगी कहते। ये शूद्र बोल सकते थे, दलित बोल सकते थे, ऐसी बोल सकते थे। क्या दिखाना चाहते हैं ये, कि आज भी यही हो रहा है वाल्मीकि समाज के साथ, जो ये भंगी भंगी शब्द बोल के बोला जा रहा है? क्या इनको ये मालूम नहीं है कि ये भंगी बोलना अपराध है, इनके ऊपर केस भी लग सकता है, इनको जेल भी हो सकती है? और मैं तो कहता हूँ अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से कि जिन जिस लोगों ने इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर ये भंगी शब्द बोला है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही जाति को टारगेट कर रहे हो भाई। पूरे दलित समाज के ऊपर, पूरे शूद्रों के ऊपर कभी अत्याचार हुआ था, कभी जातिवाद हुई थी, ठीक है आज भी जातिवाद है पर बहुत कम है। पर कोई जातिवाद करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसके खिलाफ है जो जातिवाद करेगा, हम उसके खिलाफ है। पर आप एक ही जाति को इसमें टारगेट कर रहे हो, भंगी भंगी कर रहे हो आप। जो घर की साफ सफाई करते हैं वो घर के भंगी है का? घर पे नहीं मोड़े, घर के बाहर जो साफ सफाई करे उनके भंगी बोले। हाथ कैसे लगाता है, पूरा गंदा कर दो। भैया जैसी गलती हो गई कर दे। तो आपको मालूम नहीं है कि भंगी बोलने पे क्या सजा बनती है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इसका मतलब ये कानून को मानते नहीं है, ये संविधान को मानते नहीं है। उसके बाद ये भंगी भंगी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शब्द भंगी कहलाया गया है इसके अंदर। ये क्या क्या दिखाना चाहते हैं लोगों के अंदर, कि अभी भी वही चल रहा है, हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को वही चीज दिखाने चाहते हैं ये, कि हमारे साथ ये हुआ था, ये अत्याचार हुए थे हमारे साथ? क्या हमारे लोगों के माइंड में क्या जाएगा, हमारे बच्चों के, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या माइंड में जाएगा, कल कहां जा रहे हैं, क्या सोच है इन लोगों की, ये क्या दिखाना चाहते हैं? अब जातिवाद करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कभी वाल्मीकि समाज के लोगों को एक्टर बनाया इन्होंने, या वाल्मीकि समाज का कोई बड़ा नाम इन्होंने फिल्मों में रखा इन्होंने नहीं रखा? मैं पूछना चाहता हूं सबसे, जितनी भी ये पब्लिक मेरी ये न्यूज देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि कभी वाल्मीकि समाज के आदमी को एक्टर बनाया इन लोगों ने, क्या बड़े चैनल पे
बड़ी फिल्म कोई वाल्मीकि समाज के लिए बनाई? नहीं बनाई। पर तुम भंगी कह के कोई भी फिल्म के अंदर नाम डाल देते हो अपने फेमस होने के लिए और जातिवाद करने के लिए। तो ये गलत शब्द है, इसके अंदर ये शब्द हटाए जाए, नहीं तो ये फिल्म हम चलने नहीं देंगे। और मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने वाल्मीकि समाज के लोगों से कि मेरे भाई एक हो जाओ, नहीं तो आपको और आपके जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम ये थे, तुम्हारे को इन ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ ये होता था। अब स्कूल गए। शौचालय चाहे जितना साफ हो, लोग वहाँ शौच करने ही जाते हैं, कोई वहाँ शुभ कार्य नहीं करता। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, वो हम ही लोग हैं जो भेदभाव करते हैं। आसमान में कितने तारे होते हैं? कितने? बहुत सारे, बस बाकी के चमकत नहीं, काहे कि वो अपने अपने गटर में बंद है। तो मेरे भाइयों, मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, सब एक हो जाओ मेरे भाई। आप दिल्ली के अंदर तो 40 लाख कहते हो अपने आप को, तो मैं आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारे एक हो जाओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो और केस डलना चाहिए इनके खिलाफ, हर थाने के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए और ये वीडियो, ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कल को जैसे चूड़ा चमार भंगी सब बोलने पे सजा होती है, तो कल को किसी को, कोई हमारे भाई को चूड़ा चमार बोल दिया और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, तो कल को ये फिल्म के लिए भी तो वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे वो लोग कि भाई आपको उस फिल्म में चूड़ा चमार बोल दिया, वो फिल्म आप देख रहे हो, आपका समाज देख रहा है, उसके ऊपर तो आपने केस नहीं करा, तो हमारे ऊपर कैसे केस कर सकते हो आप जी? तो ये बात उठ सकती है ना कोर्ट में भी, ये बात उठ सकती है कि जब आपके लोगों ने उस फिल्म वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने भी तो चूड़ा चमारी बोला है आपको, भंगी बोला है मैंने, तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? आपने उस डायरेक्टर के ऊपर तो कार्रवाई नहीं करी जिसने आपको पर्दे पे नंगा करा, भंगी बोला गया आपको, पर्दे पे बोला गया, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करी आपने। मतलब वो चलन दोबारा से शुरू कर रहे हैं भंगी शब्द का, फिर हम आगे ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं पाएंगे इस बात को लेकर कि आप हमें इन शब्दों से ना पुकारें, आप हमें इन शब्दों से ना बोलें। तो मेरी बहन, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, ये सियासत हमारे साथ खेली जा रही है, ये हमारे साथ सियासत खेली जा रही है बहुत बड़े पर्दे पे, और बहुत बड़ी हमारे साथ सियासत है मेरे भाइयों। आज भी तुम नहीं समझे इस सियासत को, तो मेरे भाइयों सिर्फ ये भंगी नाम रह जाएगा आपके ऊपर, आपको इसी नाम से बुलाया जाएगा मेरे भाई। और जो आज एक जातिवाद करने वाले लोग आपको चूड़ा चमार बोलते, भंगी बोलते, आप उनके ऊपर केस लगवा देते हो, तो कल को ये केस नहीं लगवा पाओगे आप उन जातिवाद लोगों के ऊपर। ये फिल्म पर्दों पे आ गई तो, क्योंकि वो लोग यही बोलेंगे, इसी चीज का फायदा उठाएंगे कि जब उन लोगों ने भंगी कह के ये फिल्म चलाई, हर लोगों ने पर्दे पे देखी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो हमारे ऊपर केस क्यों बन रहा है? तो आप किसी के ऊपर केस नहीं लगा पाओगे जो जातिवाद करते हैं आपके साथ, जो आपको चूड़ा चमार भंगी बोला जाता है आपको, आप उनके ऊपर कार्रवाई करा सकते हो, फिर वो कार्रवाई आप नहीं करा पाओगे। ये बहुत बड़ी सियासत हमारे साथ खेली जा रही है मेरे भाई। तो अभी भी नहीं संभले तो भाई हाथ धो बैठोगे मेरे भाइयों। हाथ जोड़ के विनती है, एक हो जाओ और सारे भाई एक हो जाओ भाई, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे की इज्जत करो। और जिस दिन मैं बुलाऊंगा मेरे भाइयों, सब भाइयों को आना है, और जो भाई कौम का दीवाना होगा वो जरूर आएगा भाई। एक दो दिन के अंदर मैं कंप्लेंट कराने जा रहा हूं, मेरी बहन हमारी साथ होगी, क्योंकि ये बहन हमारे बहुत साथ देते हैं, ये बहन होके हमारे खुला साथ देते हैं मेरे भाई। तो आप तो मेरे भाई हो, और आप तो कहते हो हम शेर कौम है मेरे भाई। मैं देखना चाहता हूं कितनी बड़ी शेर कौम है ये वाल्मीकि कौम। मैं तो उसे ही शेर मानूंगा जो इसके विरोध करेगा, इस फिल्म को चलने नहीं देगा। क्योंकि मेरे भाई मैं फिर बताना चाह रहा हूं, ये सियासत खेली जा रही है हमारे साथ, ये पर्दे पे वीडियो आ गई है, होलो पे ये वीडियो आ गई, और इसमें भंगी भंगी शब्द बोला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें शूद्र बोल लेते, हमें दलित बोल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप सीधा एक ही जाति को टारगेट कर रहे हो, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हो भंगी भंगी कह के। क्यों? क्योंकि कल को हमारे किसी भाई को चूड़ा और चमार और भंगी बोल दिया, तो आप केस नहीं लगवा पाओगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि वो पहले बोलेगा जाके उस डायरेक्टर के ऊपर केस लगवाओ, जाके उस डायरेक्टर के ऊपर केस लगवाओ जिसने ये चूड़ा चमार बोला, भंगी बोला आपको। उस डायरेक्टर के ऊपर केस तो लगवाया नहीं गया, वो फिल्म तो आपसे रोकी नहीं गई, तो हमारे को क्या, हमारा क्या बिगाड़ लोगे? तो मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक हो जाओ,
नहीं तो ये बहुत बड़ी सियासत तुम्हारे साथ खेली जा रही है, इसमें एक हो जाओ और खड़े हो जाओ और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। जय माता दी, जय वाल्मीकि, जय भीम।